शहर में निगरानी शुदा बदमाशों, गुंडों और असामाजिक तत्वों की ट्रैकिंग और धरपकड़ के लिए पुलिस ने सघन कॉम्बिंग गश्त की है। पुलिस की इस कार्रवाई से बदमाशों में हड़कंप देखने को मिला। पुलिस ने इस अभियान के दौरान कई सक्रिय बदमाशों के विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी की। पुलिस ने कॉम्बिंग गश्त चलाते हुए फरार वारंटी, स्थायी वारंटी, इनामी बदमाशों और अन्य अपराधों में फरार आरोपितों की धरपकड़ करते हुए कुल 143 आरोपितों पर कार्रवाई की है। मिली जानकारी के मुताबिक प्रदेश भर में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए मध्य प्रदेश में प्रदेशव्यापी कॉम्बिंग गश्त का आयोजन किया जा रहा है। इसी के तहत सीहोर जिले में पुलिस अधीक्षक मयंक अवस्थी, एसएसपी गितेश गर्ग, एसडीओपी, सीएसपी, एसडीओपी सहित 240 का बल पार्टियां बनाकर नाइट कॉम्बिंग गश्त की कार्रवाई कर रहा है। अभी उसकी जाँच चल रही है, मैं उसमें व्यक्तिगत रूप से उसकी जांच करके यदि उसमें किसी प्रकार के संज्ञेय अपराध की सूचना प्राप्त होती है तो मैं उस दिशा में जांच करके अग्रिम कार्रवाई करूँगा। प्रशासन का क्या उसमें मामला है उसको मैं पुनः अवलोकन करके संबंधित अधिकारियों से चर्चा करूंगा और उसमें जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी वो आगे की जाएगी।